इतिहास में कुछ लड़ाई ऐसी भी लड़ी गई जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, और वर्ल्ड वॉर वन ऐसी जंग थी जिसमें यूरोप समेत एशिया और अमेरिका ने भी भाग लिया। इस वॉर को लड़ने के पीछे कई कारण थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण एक गोली बनी, वो गोली जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन के होने वाले राजा को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। इस एक गोली ने अपना ऐसा असर दिखाया कि पूरी यूरोप का नक्शा ही बदल गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक गोली के चलते पूरी दुनिया इस लड़ाई में शामिल हो गई। At the outbreak of the First World War, the government is worried about sensitive information being leaked to the enemy. Over 13 lakh Indian soldiers served overseas for the British during the First World War. But when the Germans started sinking American ships and American merchant seamen's lives were being lost, then that really forced America's hand. Over 9 million soldiers and an unknown number of civilians lost their lives. Empires crumbled, revolution engulfed Russia, and America rose to become a dominant world power. वर्ल्ड वॉर वन को हम यूरोपियन वॉर और ग्रेट वॉर जैसे नामों से भी जानते हैं। इस वॉर में मास डिस्ट्रक्शन को देखते हुए इसे ये सारे नाम दिए गए। वर्ल्ड वॉर वन से पहले भी दुनिया में कई लड़ाइयां हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी इतने बड़े लेवल पर करोड़ों लोगों की जान नहीं गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब करोड़ों लोग बेघर हो गए और बड़े से बड़े देश टूट गए थे। लोगों का मानना तो ये भी था कि इस जंग के बाद दुनिया में कभी कोई इतनी बड़ी जंग नहीं होगी, और इस जंग से यूरोप में जो भी टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी, जिस कारण इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स का नाम भी मिला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर वन ने दुनिया में एक और जंग का बीज बो दिया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर वन में ही एक घायल सैनिक को गोली नहीं मारी गई थी, केवल ये सोचकर कि ये पहले ही इतना घायल है, कर भी क्या लेगा। बेशक वो समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आगे चलकर वही सैनिक अडॉल्फ हिटलर के नाम से जाना गया, जिसने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे इस वॉर में दुनिया दो भागों में बंटकर एक भयानक जंग करने निकल पड़ी। आखिर कैसे इस लड़ाई के चलते अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, और आखिर कैसे बड़े से बड़े एम्पायर इस जंग के अंत में बिखरने को मजबूर हो गए। सबसे पहले 1914 के मैप पर नजर डालते हैं, जहां एक तरफ आपको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर देखने को मिलेगा, जो एक समय पर इतना बड़ा था कि इसमें आज का स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, द चेक रिपब्लिक जैसे देश आते थे। यहाँ तक कि पोलैंड का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ इटली का भी एक प्रोविंस 1918 से पहले इसी एम्पायर का पार्ट था। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का राजा, जिसका नाम एम्परर फ्रांस जोसेफ वन था, उसने अपनी बढ़ती उम्र के कारण अपने भाई के बड़े बेटे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद आर्चड्यूक ने अपने पूरे राज्य का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अपने देश में जगह जगह जाकर वहाँ का जायजा लेने लगा। इसी दौरान एक बार प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के साउथ में बसे बोस्निया एंड हर्जेगोविना जाना पड़ा। बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का पार्ट नहीं था, लेकिन बर्लिन की संधि के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को बोस्निया के राजकाज को संभालने का हक मिला था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हक का फायदा उठाया और पूरे बोस्निया एंड हर्जेगोविना को अक्टूबर 1908 में एनेक्स कर लिया। इस जबरदस्ती के राज से बोस्निया के लोगों में काफी गुस्सा था, साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के उत्तर में बसे सर्बिया कंट्री को भी बोस्निया के एनेक्सेशन से एतराज था, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया दोनों ही राज्यों में स्लेविक लोग रहते थे। इसलिए बोस्निया पर ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से सर्बिया खुश नहीं था। एनेक्सेशन के बाद से ही बोस्निया में तरह तरह के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे थे। इन ग्रुप्स में से ही एक ग्रुप यंग बोस्निया भी था। इस ग्रुप को ब्लैक हैंड के नाम से भी जाना जाता था, जो अपनी आजादी की डिमांड करते थे। अब जैसे ही इस ग्रुप को अंदाजा हुआ कि प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया के दौरे पर आने वाले हैं, उन्होंने प्रिंस को जान से मारने का प्लान बना लिया। प्रिंस जब बोस्निया गए तो रास्ते में उसी ब्लैक हैंड ग्रुप के 19 साल के मेंबर गैब्रिलो प्रिंसिप ने प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी पर गोली चला दी। जून 28, 1914 को 11:15 पर बोस्निया में ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा और उनकी वाइफ को सबके सामने मार दिया गया, वो भी एक 19 साल के लड़के के द्वारा, जिसका साथ सर्बिया ने दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ्रांस ग्राफ कॉन्राड वॉन हॉटजेंडॉर्फ और फॉरेन मिनिस्टर लियोपोल्ड ग्राफ
वॉन बर्चडोर्न ने राजा को सजेस्ट किया कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद हम आसानी से युद्ध में उतरकर खुलेआम सर्बिया पर कब्जा कर सकते हैं। हंगरी के राजा ने भी अपनी आर्मी चीफ की बात को एक्सेप्ट किया और सर्बिया को एक अनएक्सेप्टेबल अल्टीमेटम भेज दिया। इस अनएक्सेप्टेबल अल्टीमेटम में कई ऐसी शर्तें रखी गई थी जो एक स्वतंत्र देश के लिए मानना नामुमकिन था। इसमें पहली शर्त थी कि सर्बियन गवर्नमेंट दक्षिणी स्लेविक लोगों को यूनाइट करने के पॉलिटिकल कैंपेन से दूरी बना ले ताकि बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी का अधीन देश बनकर रह सके। चेतावनी में ये भी कहा गया था कि सर्बियन आर्मी एंटी ऑस्ट्रियन आंदोलनकारियों का साथ देना बंद कर दे और सर्बियन प्रेस और स्कूल बुक्स में ऑस्ट्रिया के खिलाफ एंटी ऑस्ट्रियन प्रचार करना छोड़ दे। इन सभी शर्तों में छठी शर्त कुछ यूं बनाई गई थी कि जिसे मानना सर्बिया के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। छठी शर्त में कहा गया था कि प्रिंस के हथियारों के खिलाफ सीरियस इन्वेस्टिगेशंस चलाई जाए और इसमें ऑस्ट्रियन डेलीगेट्स को भी हिस्सा लेने का मौका मिल सके। साथ ही वोजिस्लाव टैनकोसिच और मिलान सिगानोविच जैसे सिविल सर्वेंट्स को अरेस्ट किया जाए जो हत्या की साजिश से जुड़े हुए थे। सर्बिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो इस अल्टीमेटम का जवाब केवल 48 घंटों में दे। युद्ध की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी लेकिन ये साफ हो चुका था कि इस चेतावनी को ठुकराने का नतीजा डायरेक्ट वॉर हो सकती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 25 जुलाई को सर्बिया ने अपना रिप्लाई भेजा और सर्बिया के डिमांड्स ना मानने पर जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पर वॉर घोषित कर दिया। जब वॉर केवल दो देशों के बीच छिड़ा तो इसमें बाकी यूरोपियन और तो और एशियन कंट्रीज ने क्यों छलांग लगा दी। 1914 का समय वो दौर था जब सारे यूरोपियन कंट्रीज अपनी टेरिटरी को मजबूत कर रहे थे। सभी अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में लगे थे। देशों ने युद्ध के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी जिसके कारण सभी देशों ने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाना शुरू कर दिया था। 1914 तक सभी देशों ने आपस में अलायंस की हुई थी जिसमें दो अलायंस सबसे अहम थी। पहली ट्रिपल अलायंस जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के बीच हुई थी। इसके अकॉर्डिंग अगर इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर भी कोई और देश हमला करता है तो ये आपस में मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी संधि थी ट्रिपल ऑन्टांट। इस अलायंस में रशिया, यूके और फ्रांस शामिल थे। जब वॉर शुरू हुआ तो ऑस्ट्रो हंगरी ने अपनी अलायंस का हवाला देते हुए जर्मनी और इटली का दरवाजा खटखटाया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के अच्छे रिलेशंस थे लेकिन इटली ने जंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अलायंसेस के शर्तों के अनुसार जब तीनों में से किसी एक कंट्री पर कोई दूसरा देश हमला करेगा तो उन्हें एकजुट होकर युद्ध करना है, न कि खुद दूसरे देश पर हमला करने की कोशिश करनी है। दरअसल इटली के इस क्लियर डिनायल के पीछे एक और कारण था। 1911 में हुए इटालो टर्किश वॉर में इटली ने अपने इन दोनों अलायंस से मदद मांगी थी। दोनों देशों ने उस वक्त सीधे यही कहते मना कर दिया था कि इटली के पर्सनल इंटरेस्ट के वॉर में नहीं बल्कि अगर कोई इटली पर हमला करे तब हम साथ देंगे। दूसरी ओर सर्बिया पर जब मुसीबत आई तो उन्होंने रशिया से मदद मांगी लेकिन इसके पहले ही ऑस्ट्रो हंगेरियन और रशिया के बीच ये डील हो चुकी थी कि वो सर्बिया इन्वेजन में एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे। लेकिन तभी रशिया में स्लेविक लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और अपने सम्राट से मांग किया कि साउथ सर्बिया को इन्वेजन से बचाना पड़ेगा क्योंकि वहां हमारे लोग रहते हैं। इसके बाद रशिया को मजबूरन इस युद्ध में उतरना पड़ा। रशिया का जंग में शामिल होने का एक और राजनीतिक कारण था। दरअसल ओटोमान एम्पायर ऑलरेडी ब्लैक सी पर डोमिनेट कर रहा था। ऐसे में सर्बिया के एनेक्सेशन के बाद ओटोमान एम्पायर पूरी तरह से ब्लैक सी पर कब्जा कर लेता। वहीं दूसरी ओर रशिया का सारा एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्बिया स्ट्रेट के रास्ते ब्लैक सी से होता था। ऐसे में रशिया का युद्ध में उतरना इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी जरूरी हो गया। इसीलिए जब जंग में रशिया शामिल हुआ तो ट्रिपल ऑन्टांट के तहत उसने यूके और फ्रांस से मदद मांगी लेकिन यूके का मानना था कि ये वॉर रशिया की है और ये उसे खुद ही लड़नी चाहिए। वो खुद युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। वही फ्रांस ने भी चुप्पी साध रखी थी। फ्रांस के नॉन क्लियर जवाब से जर्मनी काफी टेंशन में था क्योंकि अगर फ्रांस इस जंग में पार्टिसिपेट करता तो जर्मनी दोनों ओर से घिर जाता जिससे उसके लिए जंग जीतना नामुमकिन हो जाता। इसलिए स्लीफन प्लान के हिसाब से जर्मनी ने फ्रांस पर हमला बोल दिया। मैप के हिसाब से देखें तो जर्मन एम्पायर रशिया और फ्रांस के बीच आता था। चूंकि रशिया एक बड़ा और ताकतवर देश था इसीलिए इस प्लान के तहत जर्मन आर्मी को सबसे पहले फ्रांस पर हमला करना था ताकि उसे जीत लिया जाए। फिर जर्मनी अपनी पूरी मिलिट्री को मिलाकर रशिया पर धावा बोलकर उसे भी जीत लेगा और इस तरह जर्मनी यूरोप के एक बड़े भाग पर अपना कब्जा जमा लेगा। फ्रांस ने अपने और जर्मनी के बॉर्डर पर पहले से ही काफी हैवी मिलिट्री लगा रखी थी। उन्होंने फ्रांस पर हमला बोलने के लिए बेल्जियम के रास्ते को अपनाया। ऐसे में बेल्जियम जर्मनी को उनके देश में घुसने की इजाजत नहीं देता जिससे जर्मनी बेल्जियम पर हमला कर देता है।
यूके और बेल्जियम के बीच सालों पहले लंदन की संधि साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कभी भी कोई बेल्जियम पर हमला करेगा तो यूके उसकी मदद करेगा। तो बस एक तरफ यूके बेल्जियम के सपोर्ट में वॉर में शामिल हो गया, और दूसरी तरफ जब रशिया ने देखा कि जर्मनी फ्रांस पर अटैक करने के लिए बेल्जियम को इन्वेड कर रहा है, तो दूसरी तरफ से रशिया ने जर्मनी पर अटैक कर दिया, और इस तरह यूरोप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में उतर पड़ा। वर्ल्ड वॉर वन में दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान एम्पायर थे, तो दूसरी ओर यूके, फ्रांस, इटली, रशिया और सर्बिया थे। इस वॉर में बाद में अमेरिका और जापान भी शामिल हुए। उस समय यूके दुनिया में लगभग 25% जगह को अकेले अपने कब्जे में लेकर बैठा था, जिस कारण यूके और जर्मनी की टेरिटरीज और कॉलोनीज ने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, रोमानिया, ग्रीस, बेल्जियम, कनाडा, सर्बिया, पोर्चुगल, मोंटेनेग्रो और पोलैंड जैसे देश शामिल थे। इंडिया ने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस समय इंडिया पर यूके का राज था, जिस कारण यूके ने अपने सोल्जर से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेजा। वॉर के दौरान जर्मनी ने अपने सभी सबमरीन्स को पानी में उतार दिया था, जो यूके की नौसेना को उड़ाने का काम करने लगी। लेकिन गलती से जर्मनी ने यूके की एक ऐसी नेवल शिप को टारगेट कर दिया, जिसमें अमेरिका के 128 पैसेंजर्स यूके से अमेरिका जा रहे थे, और अटैक के कारण वो सभी मारे गए। जर्मनी ने अमेरिका से इस बात के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और इसके बाद अब वॉर में अमेरिका भी शामिल था। पहले तो जर्मनी काफी स्ट्रांग देखा गया, फ्रांस में तो ये पेरिस तक पहुंच भी गए थे, लेकिन यूके और अमेरिकी सैनिकों ने वहां जर्मनी की आर्मी को खदेड़ दिया। रशिया में वर्ल्ड वॉर वन के आखिरी कुछ दिनों में काफी क्रांति होनी शुरू हो गई। रशिया में उसी दौरान अक्टूबर रेवोल्यूशन भी देखा गया था, जहां लेनिन ने रशिया की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और वॉर से बैकआउट कर लिया। इस बैकआउट के लिए लेनिन ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी भी साइन की थी, जिसके बाद रशिया ने वॉर से एग्जिट कर लिया। वहीं जर्मनी की भी वॉर के एंड तक काफी हालत खराब हो गई थी। जर्मनी के लोग अपने ही देश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे थे, जिसके कारण जर्मनी काफी कमजोर होता चला गया, और आखिरी में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को अपने हथियार डाल दिए और वर्ल्ड वॉर वन का अंत हुआ। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई। 4 साल की लगातार लड़ाई ने कई देशों को खत्म कर दिया। वॉर के बाद हर तरफ लोगों की नजरों में एक खौफ देखने को मिला। हर तरफ केवल तबाही और धूल ही धूल थी। इस वॉर में कोई जीता कोई हारा, लेकिन अपनों को दोनों तरफ के लोगों ने खो दिया था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ अलायंस ही वर्ल्ड वॉर वन का कारण नहीं था, बल्कि इस वक्त यूरोप में नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म भी अपने चरम पर थे। राष्ट्रवाद होना तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन यहाँ का नेशनलिज्म कुछ ऐसा था, जहाँ राजा से लेकर प्रजा तक के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि सिर्फ उनका देश महान है और अच्छा है, बाकी के सारे देश इन्फीरियर है, निचले दर्जे के है। जहाँ इन देशों का मानना था कि पूरी दुनिया उन्हीं के महानता के नीचे रहे, सिर्फ उन्हें ही राज करने का हक है, अब राज करना ऐसे तो संभव था नहीं। अब एक एम्पायर की मिलिट्री से भी इन देशों को शांति नहीं मिली, तो इन्होंने दूसरे देशों के साथ मिलकर अलायंस बनाई, जो कि वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा कारण बना। ना तो ये अलायंसेस होती और ना ही ये देश एक दूसरे पर वार करते। अलायंसेस की बात तो हम कर ही चुके हैं, अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म 1914 के समय में वॉर का एक बड़ा कारण था। वैसे कि सभी देश सिविलियंस के मन में न्यूज़पेपर के जरिए ज्यादा से ज्यादा देश प्रेम जगाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोग नेशनलिज्म की भावना से मिलिट्री ज्वाइन करें और वॉर में पार्टिसिपेट करें। उस समय नेशनलिज्म को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाने लगा कि घर घर से लोग आर्मी में भर्ती होने के लिए मोटिवेट होने लगे। नेशनलिज्म के कारण ही यूरोप के सारे देश वर्ल्ड वॉर वन में अपने देश को पावरफुल दिखाने के लिए पार्टिसिपेट करते गए और वॉर और ज्यादा इंक्रीज होती गई। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपने देश को और अपने देश की टेरिटरी को बड़ा करना, जिसके लिए 1914 के समय में पूरे यूरोप में अपने अपने देश को पावरफुल दिखाने के लिए सभी देश जगह जगह एनेक्सेशन करने लगे थे, जिससे जो हिस्सा कमजोर दिखता वो उसे अपने देश में शामिल करने के लिए उस पर कब्जा कर लेता। इस कब्जे के पीछे केवल अपने देश की टेरिटरी इंक्रीज करना नहीं, बल्कि कब्जा किए हुए देश की वेल्थ को लूटना भी आता था, जैसे ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखा और उस पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत के पैसे और रिसोर्सेज से ब्रिटेन अपनी झोली भर सके। तो बस वर्ल्ड वॉर से पहले पूरे यूरोप की नजरें अफ्रीका और एशिया पर थी।
सभी यूरोपियन देश अफ्रीका और एशिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा आगे ब्रिटेन था। ब्रिटेन के पूरे दुनिया में उस समय सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी, जिसके कॉम्पिटिशन में बाकी देश भी लगे थे। ये कॉम्पिटिशन भी आगे चलकर वॉर का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि सभी देश आपस में कम्पीट करने में इतने मग्न हो गए थे कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सभी देशों का अपने देश की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना और आर्म्स रेस में पार्टिसिपेट करने का दौर 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 1914 तक यूरोप में इस रेस का क्रेज सबसे ज्यादा देखा गया, जिसमें जर्मनी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1914 तक जर्मनी ने अपने मिलिट्री को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जिस कारण वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी स्टार्टिंग में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई भी दिया। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने भी जर्मनी की तरह अपनी मिलिट्री पर ज्यादा पैसा खर्च किया, लोगों को आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट किया और अपने वॉर इक्विपमेंट्स में भी सुधार किए, जिससे ब्रिटेन जर्मनी से मुकाबला करने से एक बार भी नहीं कतराया। यही नहीं, 1914 तक जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन केवल यही दो देश थे जिनका आर्मी के साथ साथ नेवी पर भी अच्छा कंट्रोल था, जिस कारण वॉर के दौरान दोनों देशों ने जमीन से लेकर पानी पर भी लड़ाई लड़ी थी। इस सब के अलावा भी सिटीजंस का इन सभी देशों की सरकारों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि वो वॉर और मिलिट्री को ही ताकतवर होने की पहचान मानने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे सभी देश एक दूसरे को देखकर अपने अपने देश की मिलिट्री को बड़ा करने लगे और वॉर को एकमात्र सॉल्यूशन समझने लगे। वर्ल्ड वॉर वन के कारण सभी देश फाइनेंशियल तौर पर बुरी तरह से बिखर गए थे। जंग में पार्टिसिपेट करने और उसे आखिरी तक लड़ने के खातिर सभी देशों का सरकारी खजाना खत्म हो गया था। सभी देशों ने अपने देश को बड़ा दिखाने के लिए देश की फिक्र किए बिना जंग में खूब पैसा लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन का नाम सामने आया। वॉर के समय सभी देशों पर लोन की भी बड़ी परेशानी थी, जिसके कारण मनी प्रिंटिंग जैसे केस भी सामने आने लगे, जिससे ये गरीबी की दलदल में फंसते चले गए। कुल मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों में गजब का इन्फ्लेशन रेट देखा गया, जिससे उस समय की इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ा। वर्ल्ड वॉर वन के एंड ने पूरी चार मोनार्कीज को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, जिसमें रूस के जार निकोलस सेकंड, जर्मनी के कैसर विल्हेम सेकंड, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान आते थे। इन सभी सत्ताधारियों से इनका देश छीन लिया गया और कई नए देश बनाए गए, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी तो अपना एक अलग देश ही बनकर रहा, लेकिन जो देश मिडिल ईस्ट में आते थे वो सभी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिए गए। बात अगर ओटोमन एम्पायर की करे तो इसे टर्की बना दिया गया। बाकी सभी टेरिटरीज और कॉलोनीज को आपस में जंग जीतने वाले देशों ने बांट लिया। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई। चाइल्ड बर्थ रेट कम होने लगी, जिसका मेन कारण था युद्ध में नौजवानों का शहीद हो जाना। इसके अलावा लोगों ने अपनी जमीनें खो दी और वो किसी और देश जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बड़ा चेंज औरतों के रोल में देखा गया। जैसे वॉर के दौरान औरतों का काफी मेजर रोल रहा, क्योंकि वॉर में सभी पुरुष और यंग लोग जाने लगे थे, तो ऑफिस वर्क और बाकी कामकाज करने के लिए लोगों की कमी होने लगी, जिसके कारण स्त्रियों ने वॉर के दौरान मर्दों की जगह लेकर फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में काम करना शुरू कर दिया। यही नहीं, कई देशों ने तो वॉर के बाद औरतों को ज्यादा राइट्स देने शुरू कर दिए, जिससे अनेक जीवन स्तर में काफी बदलाव देखने को मिला। उस समय सबसे ज्यादा चर्चा वोटिंग राइट्स की हुई थी, जो स्त्रियों को जंग खत्म होने के बाद पहली बार दिया गया था। इसके अलावा सोसाइटी के एलीट और अपर क्लास लोगों ने अपना दर्जा खो दिया था। वॉर के बाद मिडिल यंग एंड लोअर क्लास मेन एंड वुमेन ने अपने देश को बनाने में सबसे ज्यादा काम किया था। वर्ल्ड वॉर वन दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें करीब 20 मिलियन लोग मारे गए और 21 मिलियन लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में लगभग 9.7 मिलियन सेना के लोग और 10 मिलियन आम नागरिक शामिल थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बेरोजगारी और फेमाइन जैसे स्थितियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। वर्ल्ड वॉर वन ने न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इस वॉर के एंड में कई ट्रीटीज भी साइन हुई, जिसमें पेरिस संधि, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, ट्रीटी ऑफ ट्रायनन, ट्रीटी ऑफ न्यू वाइली, ट्रीटी ऑफ सर्वर्स और ट्रीटी ऑफ वर्साय थी। हालांकि ये ट्रीटीज इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग और एक तरफा थी, जिसने वर्ल्ड वॉर टू के बीच भी बो दिए। 1914 में इंडिया उन दिनों ब्रिटिश कॉलोनी थी, हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ अब यहाँ भी रेवोल्यूशन होने लगे थे। 1915 में महात्मा गांधी के भारत वापसी के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन और ज्यादा बढ़ गए थे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश के युद्ध में उतरने के फैसले से भारत पर भी असर पड़ा। उन्होंने लगभग 15 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध में उतार दिया। हमारे सैनिकों ने इस युद्ध में एलाइट पावर के तरफ से युद्ध किया, जहां अंग्रेजी सेना यूरोप के थोड़े आसान युद्ध के मैदानों में और बेसिस में लड़ रही थी। वहीं हमारे सैनिकों को ज्यादातर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भेजा गया।
भारतीय आंदोलनकारियों को लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर वन में कोऑपरेट करने से अंग्रेज हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर के अंत में हमारे लगभग 1,20,000 सैनिक या तो घायल थे, शहीद हो चुके थे या वो मिसिंग थे। बस 30,000 के आसपास ही सुरक्षित सैनिक भारत लौटे। उल्टे हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे काम हुए, जिससे फ्रीडम रेवोल्यूशन और तेज हुए। वर्ल्ड वॉर वन में लगभग 70,000 सैनिक शहीद हुए और कभी भारत नहीं लौट पाए। शहीदों के सम्मान में ही अंग्रेजी सरकार ने तब दिल्ली में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनवाया, जिसे आज हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले।